प्रदूषण के हालात सुधरने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आज AQI 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के बवाना में AQI लेवल 411 दर्ज किया गया, वहीं आनंद विहार में AQI 394 दर्ज किया गया है। वहीं प्रदूषण की वजह से सड़कों पर जबरदस्त धुंध दिखाई पड़ रही है, विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है और लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सर्दी की शुरुआत भी अभी ढंग से नहीं हुई है राजधानी दिल्ली में, बावजूद इसके स्मॉग जो है वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आनंद विहार इलाके की बात करें तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। हालांकि कल वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार था, लेकिन आज 394 दर्ज किया गया है। रोहिणी की बात करें 400 के पार पहुंच चुका है, 404, मोतीबाग में 403 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जो लोग पहले मॉर्निंग वॉक पर सुबह बाहर जाते थे वो ना जाएं। तो राजधानी दिल्ली और NCR में जबरदस्त यहां धुंध देखने को मिल रही है, लेकिन ये जहरीली हवा है और गंभीर स्तर पर जो AQI है वो 400 के करीब दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी हवा के स्तर से जो AQI है वो 4 गुना ज्यादा खराब है और ये दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है हवा की स्थिति। आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं। अलीपुर में 388, आनंद विहार में 394 AQI और अशोक विहार में 385 दर्ज किया गया है। भवाना की बात करें 400 पार पहुंच चुका है, 411, जहांगीरपुरी में 390, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की बात करें तो 391 तक जो है हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। आप ये पीछे तस्वीर भी देख सकते हैं, इंडिया गेट की तस्वीर, साफ तौर पर इंडिया गेट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए विजिबिलिटी इतनी कम है, अमूमन ये ठंड के मौसम में जब कुहासा होता है, कोहरा होता है तब देखा जाता है, लेकिन अभी ठंड का मौसम आया नहीं है। आप देख सकते हैं लोग जो जॉगिंग कर रहे हैं वो इसे जहरीली हवा में कर रहे हैं और कुछ 100 मीटर के बाद विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। जी मीडिया संवाददाता नीतू झा की इसी पॉल्यूशन से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर्दियों के दस्तक के साथ ही दिल्ली की हवा एक बार फिर से और जहरीली होने लगी है। एक और जहां ओवरऑल AQI 361 यानी बेहद खराब की श्रेणी में बना हुआ है, वहीं दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां ये AQI 400 के पार यानी बेहद खराब से खतरनाक की श्रेणी में है, जिसमें सांस लेने से लोग बीमार हो सकते हैं। ना सिर्फ बीमार हो सकते हैं बल्कि जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें भी अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन, ये तमाम परेशानियां नजर आने लगी है। यही वजह है कि दिल्ली के तमाम अस्पतालों में अब प्रदूषण से संबंधित बीमारियों का इलाज कराने लोग पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ। आम दिनों में जब आप इस फ्लाईओवर से दिल्ली को देखने की कोशिश करते होंगे तो आपको सब नजर आता होगा, लेकिन अभी विजिबिलिटी बहुत कम बनी हुई है। सुबह से अब दिन का वक्त हो गया है, बावजूद इसके विजिबिलिटी कम होने के साथ ही सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। एक और जहां दिल्ली का ओवरऑल AQI 361 है, वहीं कई ऐसे इलाके हैं जैसे बवाना, मोतीबाग, नेहरू नगर, रोहिणी, विवेक विहार, वजीरपुर, जहां AQI 400 के पार है। अब जरा सोचिए, जब आप CPCB की वेबसाइट खोलते हैं वहां पर साफ तौर पर लिखा होता है कि अगर AQI 400 के पार है यानी वो हजारडस खतरनाक है। इस हवा में सांस लेने से जो स्वस्थ है इंसान वो भी बीमार पड़ सकता है, वहीं अगर कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है तो उन्हें ये और परेशान कर सकता है। अक्षरधाम का जो ये मंदिर है ये अभी देख पाना मुश्किल है, लेकिन जब प्रदूषण नहीं होता तो आप साफ साफ इसको देख सकते हैं। दिल्ली में अभी सर्दियों की शुरुआत हुई है, मौसम विभाग की माने तो दिल्ली वालों पर बीते कई दिनों से प्रदूषण का असर कम नजर आ रहा था, इसकी वजह थी तेज हवा की रफ्तार। लेकिन अब जैसे ही सर्दियों की दस्तक हुई है हवा की रफ्तार में कमी आई है। अगर सैटेलाइट पिक्चर से भी देखा जाए तो इस वक्त दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां सिर्फ और सिर्फ स्मॉग यानी धुंध नजर आता है। Zee News.